हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, यस ठीक तो नेक्स्ट हम देखते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। ओके, तो ये बॉक्स मॉडल क्या है? ये कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने अब तक जो देखा, हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, इनका सबका हम इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं। ओके, एक बॉक्स बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव लेता हूँ। ओके, और इसमें आप कोई भी टेक्स्ट आप इसके अंदर दे दीजिए, आपको जो भी टेक्स्ट देना है आप दे सकते हैं। मैं इस डिव को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, सेव। देन यहाँ पे सपोज गूगल, ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये टेक्स्ट इसके इनसाइड डाल देता हूँ। ठीक है, इस ड्यू के अंदर क्या है, तो ये खाली टेक्स्ट है। ठीक है, इस ड्यू के अंदर क्या है, ये टेक्स्ट है, तो इसको भी रिप्रेजेंट हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर करना है। ओके, इसको हमें किसके अंदर करना है, बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ड्यू को स्टाइल अप्लाई करेंगे, ड्यू, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर ली ब्रेसेस। देन इस ड्यू में हमने जो यूज किया है, जैसे कि मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। ओके, सपोज विड्थ से पहले मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका विड्थ पहले क्या है। ओके, विड्थ से पहले मैंने क्या दिया इसको, बॉर्डर। देन बॉर्डर हम देंगे यहाँ पे सपोज 5 पिक्सल का बॉर्डर रहे। ओके, उसके बाद डैश वाला रहे, डैश्ड। ओके, और कलर ब्लैक हो, कलर कैसा हो, ब्लैक कलर हो। ठीक है, सेव। देन हम इसको चेक करते हैं, आई थिंक मेरा कुछ गलत दिखा रहा है बॉर्डर। डैश स्पेलिंग। हाँ, ओके ओके ओके, ये चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सेव। हाँ, तो देखो यहाँ पे 5 पिक्सल का मैंने इसको बॉर्डर दिया है। तो देखो आपको कितना परसेंट इसका विड्थ देख रहा है, 100% इसने लिया है क्या, 100% उसने विड्थ लिया है। ओके, तो इसके विड्थ को क्या करता हूँ, मैं एडजस्ट करता हूँ, तो विड्थ यहाँ पे देता हूँ सपोज 300 पिक्सल। सेव किया, देन रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो। देन इसके बाद इसका हाइट भी है, आप अगर हाइट देना चाहते हो तो हाइट भी इसको मेंशन कर सकते हो। हाइट में दे देता हूँ इसको सपोज 200 पिक्सल, ठीक है, सेव। देखो 200 पिक्सल का इसका हाइट हो गया। देन इसके अंदर हम फिर से देंगे पैडिंग। ओके, पैडिंग हम देंगे, ठीक है, तो पैडिंग यहाँ पे मैं चारों तरफ से एक ही वैल्यू में दे देता हूँ कि 15 पिक्सल चारों तरफ से अप्लाई हो जाए। ओके, 15 पिक्सल चारों साइड से क्या हुआ, उसको मिल जाए, देखो। देन ठीक है, मार्जिन भी मैं इसको लगा देता हूँ। ओके, हमने इन साइड से स्पेसिंग दे दिया, तो मैं इसको आउट साइड से भी स्पेसिंग दे देता हूँ, आउट साइड से इसको 100 पिक्सल में दे देता हूँ, सेव। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो टॉप और लेफ्ट साइड से आपको स्पेसिंग दिखेगी, बट लेफ्ट राइट और बॉटम की नहीं दिखेगी। तो इसे कहते हैं बॉक्स मॉडल। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर हो, पैडिंग हो, मार्जिन हो, ओके, हाइट विड्थ हो, इन सब का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इसको कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। ओके, तो मैंने आपको बोला कि क्या रहता है, एक कंटेनर रहता है। सीएसएस बॉक्स मॉडल इज अ कंटेनर दैट्स कंटेन मल्टीपल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग बॉर्डर्स, मार्जिन, पैडिंग एंड अदर कंटेंट्स। ओके, अदर प्रॉपर्टीज जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है।
क्लियर है? इसको क्या कहेंगे, बॉर्डर बॉक्स मॉडल, क्या कहेंगे आप, बॉक्स मॉडल। ओके, आगे चल के हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें डालेंगे। ओके, मॉडल के साथ हम आगे भी फॉर्म दिखाएंगे इसके अंदर। ओके, अभी हम खाली इसका यहाँ पे हमने रॉ मॉडल इसको बनाया है। ओके, कोई फॉर्म इसके अंदर हम नहीं दिखा रहे। ठीक है, क्लियर है क्या इतना? यस सर। ओके, तो इस तरीके से आप मॉडल बना सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। ओके, तो डिस्प्ले क्या है कि आपको जो आपका एलिमेंट है वो कैसे रेंडर कराना है, आपको एक ब्लॉक में रेंडर कराना है या फिर एक लाइन इन लाइन के अंदर आपको रेंडर कराना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी बॉक्स को, इसी ड्यू को मैं रेंडर कराता हूँ आपके सामने ही। तो मैं बॉर्डर रखता हूँ और हाइट और विड्थ भी इसकी रखता हूँ, पैडिंग मार्जिन मार्जिन हटा देता हूँ। ठीक है, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं चेंज करूँ, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं दूसरा ड्यू बनाता हूँ। एक मिनट, दूसरा ही ड्यू बना लेता हूँ, ड्यू देन ड्यू, इसको मैं क्लास दे दूंगा ड्यू क्लास, ड्यू क्लास। ओके, ड्यू क्लास मैंने इसको दिया और इसके अंदर इसके अंदर मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ, दो तीन टैग में पहले ले लेता हूँ, बाद में आपको और बताऊंगा। एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर मेरा कुछ तो डेटा है, कॉपी, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उस पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, सेव। तो इस पैराग्राफ को पहले तो मैं दूंगा, इसको मैं पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ, देन यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको एक बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ सबसे पहले तो। बैकग्राउंड आइकन कलर, कलर नहीं तो ठीक है, कलर हैश F2, F2, F2। ठीक है, तो ग्रे कलर मैंने यहाँ पे ले लिया, सेव किया, चेक करते कैसे दिख रहा है। तो देखो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये टू को भी अप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्लास नहीं लिखा, इस वजह से इसको कमेंट कर देता हूँ। रिफ्रेश, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है। ओके, एक लाइन दिख रही है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट है। ओके, तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, तो इसको ये कैसे दिखे, तो एक ब्लॉक के अंदर दिखे। ओके, तो मैं इसको डिस्प्ले कोलन ब्लॉक, यहाँ पे तीन वैल्यू रहती है, ब्लॉक इन लाइन और इन लाइन हाइफन ब्लॉक, ऐसे तीन वैल्यू है। तो मैं पहले ब्लॉक देता हूँ, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो कोई चेंजेस दिख रहा है, एक मिनट, हाँ हेलो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लॉक के अंदर ये दिख रहा है, अभी आपको इसका ये दिख नहीं रहा है कि ब्लॉक में कैसे आया। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कंटेंट है मेरा, एक ही पैराग्राफ है। ओके, तो इसको मैं जब हम नेविगेशन बार बनाएंगे तब आपको ये ज्यादा
अच्छे से समझ में आएगा। ओके ब्लॉक, और अभी थोड़ी देर बाद में फिर से आपको ड्यू के साथ दिखाऊंगा इसको, कि ब्लॉक एक करेंगे हम, ड्यू को ब्लॉक करेंगे, उसका जो हाइट विड्थ है वो एडजस्ट करके उसको हम सेंटर में मैनेज करेंगे, ठीक है, यानी उसको सेंटर में हम डिस्प्ले करेंगे, रेंडर करेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पूरा जो लाइन है ये एक पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया यहाँ तक, ओके। और अगर इनलाइन ब्लॉक में इसको लूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक यूज करूँ तो जितना टेक्स्ट है उसी को सिलेक्ट करेगा, यानी उसी को आपको बॉर्डर डिस्प्ले होगा। जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले कोलन इनलाइन सेव, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी पूरा आ रहा है क्या, 100% विड्थ ले रहा है क्या, वो बैकग्राउंड जो था वो चेंजेस समझ में आया क्या? यस yes. ओके okay, जितना टेक्स्ट है उसी को खाली बैकग्राउंड दिख रहा है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ या फिर कलर ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो देखो जब ब्लॉक था इसको हटाता हूँ मैं, बट तो पूरा का पूरा लाइन विड्थ जो है वो ले रहा था उस पैराग्राफ टैग के लिए। देखो ये ब्लॉक हो गया, ओके okay? एक ब्लॉक हो गया, अभी इसी ब्लॉक को मैंने किया, अगर इसको हम करते इन लाइन में, अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो क्या करेगा, जितना टेक्स्ट है उसी को वो सिलेक्ट करेगा, यानी उसी को वो फिल होगा, जो बैकग्राउंड है वो उसी को फिल होगा। डिस्प्ले कोलम इन लाइन सेम, देखो दिख रहा है, तो ऐसे आप इनलाइन को भी ब्लॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, थर्ड वैल्यू जो है इन दोनों को कॉम्बिनेशन, ओके, थर्ड वैल्यू जो है आप दोनों को कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, इनलाइन हाइफन ब्लॉक, ओके, तो इसको हाइफन ब्लॉक सेव। देखो एक ब्लॉक भी हो गया, देखो स्पेस भी छोड़ रहा है वो, ऊपर से टॉप की तरफ से उसने स्पेस भी छोड़ा है और इनलाइन दोनों भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, ब्लॉक भी बन रहा है और इनलाइन भी रहेगा, क्लियर है? देखा क्या आपने, कि फिर से दिखा हुई है सर, ब्लॉक मींस क्या होता है अभी भी? ब्लॉक मींस एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, ओके, जैसे कि आप नेव बार करते हो, एक मिनट हाँ यस, तो आपको मैं एक कल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने आपको जल्दी समझ में आएगा उसमें, सेव, और इसको ओपन कर पाऊंगा। तो देखो यहां पे जब भी मैं किसी किसी ऑप्शन पे कर्सर लेके जा रहा हूं, तो देखो वो एक ब्लॉक सिलेक्ट हो रहा है क्या? यस सर, यस, हाँ, तो ये आपका ब्लॉक है, ओके ओके, और इसको ये जो है ना ये एक लाइन में आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया है इनलाइन, कहाँ पे गया, इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इसको हटा दू, देखो इस प्रॉपर्टी को मैं अगर हटा दू, कंट्रोल एक्स, सेव किया इसको, रिफ्रेश, देखो Yeah, okay. एक ब्लॉक बन गया, ओके, तो इसको मुझे एक लाइन में लाना है तो भी मैं ES ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इनलाइन ब्लॉक, ओके, यानी ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक ब्लॉक में कन्वर्ट होके एडजस्ट हो जाएंगे। अभी देखो एक ब्लॉक की जो विड्थ है वो कितनी है, 100% है क्या? यस सर, ओके, तो इसलिए मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक किया, तो क्या हो गया कि सारे के सारे इनलाइन हो गए, यानी ये एक ब्लॉक हो गया और उसके आगे दूसरा ब्लॉक हो गया, यानी एक लाइन में ही वो आ गए, एडजस्ट हो गए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऐसे आप ब्लॉक बना सकते हो, ओके, ड्यू भी अगर आपको सेंटर में दिखाना है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, ड्यू भी अगर आपको क्या करना है, सेंटर में अगर आपको दिखाना है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी पहले तो ये बताओ, तीनों वैल्यू समझ में आई आपको, आपने देखा ब्लॉक जब भी ले रहा हूं तो ऊपर से स्पेसिंग छूट रहा है उसको, ओके, जब इनलाइन ले रहा हूं तो खाली उसका जो सिलेक्ट जितना टेक्स्ट है उसी को वो अप्लाई हो रहा है,
ओके और जब दोनों यूज कर रहा हूं तो स्पेस भी छूट रहा है ऊपर और क्या हो रहा है, इनलाइन और बॉक्स दोनों का जो स्टाइल है वो दोनों का अप्लाई हो रहा है, जितना टेक्स्ट है उसको फिल भी हो रहा है और ऊपर से स्पेस भी छूट रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम ड्यू के साथ देखते हैं। तो ये जो ड्यू है ओके, इसको मैं इस क्लास को लिखता हूँ डॉट ड्यू क्लास। ठीक है, ठीक है, मैं आपको वो एग्जांपल भी बताता बट उतना आपका नहीं हुआ है, जब तक उतना कवर नहीं होता तब तक हम उस एग्जांपल पे नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो इस क्लास को, इस ड्यू को मैंने लिया है तो मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर और विथ, ये दोनों चीजें तीनों चीजें मैं दे देता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये किस साइड में है मुझे बताओ, ये जो ड्यू है मेरा किस साइड में, लेफ्ट। तो इसको मुझे क्या करना है, सेंटर में, सेंटर पोजीशन में उसको लाना है। क्या करना है, सेंटर पोजीशन में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले करूंगा, डिस्प्ले, क्योंकि इसका विड्थ अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो क्या होगा, विड्थ इसका अभी कम तो हो चुका है बट ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो मैं इसका डिस्प्ले इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, पहले तो ब्लॉक में कन्वर्ट किया, देन मार्जिन हमने देखा था, मार्जिन लगाऊंगा मैं इसको, मार्जिन हाइफन लेफ्ट कोलन, और यहाँ पे दूंगा ऑटो। अभी मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑटो, ओके, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो लेफ्ट साइड से, देन मार्जिन हाइफन राइट कोलन ऑटो। ओके, तो इन तीन प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएगा कि आपका ये जो डिव है ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बॉर्डर लगाया कि आपको इसका विड्थ भी दिखे कितना है। देखो आया क्या सेंटर में, यस सर आया। ऐसे आप कोई भी डिव को सेंटर में ला सकते हो। कहा क्या यूज करना है आपको, डिस्प्ले ब्लॉक करना है, उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करो, देन लेफ्ट मार्जिन ऑटो कर दो और राइट मार्जिन ऑटो कर दो, दोनों तरफ से वो ऑटोमेटिकली जो मार्जिन है वो छोड़ देगा। क्लियर है, सेकंड एग्जांपल ब्लॉक का। यस सर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दिया सर, दिया, ठीक है, ओके, और नीचे का भी लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस रहेगा। जब भी मैं आपको डॉक भेजता हूँ तो उसमें सारा का सारा लास्ट वाला जो रहता है वो एज इट इज कॉपी करके भेज देता हूँ। लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोट। ओके, तो देखेंगे फ्लोट, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने लिया है ऑलरेडी, इसी के अंदर में कुछ तो टेक्स्ट डाल देता हूँ दो तीन बार, तो इनको कमेंट कर देता हूँ मैं, ये सारा कमेंट डाल देता हूँ मैं, कमेंट काम नहीं करता है फिर, इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, पूरे बात देन यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ टैग है ड्यू के अंदर, ओके, इसी में चेंज कर रहा हूँ, कॉपी करके ओके
ड्यू, और ये हमारा पैराग्राफ का क्या, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है और इसके साथ में कुछ इमेज इसके अंदर पास करना है। देखो ये टेक्स्ट आपका आ रहा है, इसके साथ में कुछ इमेज यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर लिखूंगा, इमेज ओके, यहाँ पे मैं इमेज लूंगा एसआरसी सोर्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज निकाल के रखी है। देखो इमेजेस हमारा जो हमने जो फेविकॉन के लिए इस्तेमाल किया था वही इमेज मैंने यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे उसको निकाल के रखा है, कॉपी किया है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे दूंगा इमेजेस ओके डॉट पीएनजी, ठीक है, सेव और रिफ्रेश। तो देखो ये इसका हाइट भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं इस इमेज को भी, इसका इमेज का हाइट भी हम कर दे कम कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले इस डू को मैं कुछ स्टाइल दे देता हूँ, डू मैंने इस्तेमाल किया, और इस डू को मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और हाइट दे देता हूँ, सब कुछ बैकग्राउंड ओके। तो ये अगर मैंने ऐसे दिखाया तो ये खाली किसको अप्लाई होगा, आपके तीनों ड्यूस को हो रहा है ओके ड्यू, ठीक है, इसको आईडी दे देता हूँ या फिर क्लास दे देता हूँ, क्लास ओके, क्योंकि मुझे इसी ड्यू को वो अप्लाई करना था ओके, इसलिए इस्तेमाल किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको आपका एक ड्यू दिख रहा है और इमेज दिख रहा है ओके, तो इमेज के हाइट की वजह से आपको टेक्स्ट कहाँ पे दिख रहा है, नीचे है क्या, यस ओके, तो ये जो टेक्स्ट है ओके ये यहाँ पे होना चाहिए, यानी ये जो इमेज है आपके टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में होना चाहिए ओके। तो इसको अगर आपको लेफ्ट या राइट में अगर आपको दिखाना है तब आप यूज करोगे फ्लोट प्रॉपर्टी, क्या यूज करोगे फ्लोट प्रॉपर्टी आप तब यूज करोगे। यहाँ पे भी तीन वैल्यू आप दे सकते हो, नन नन यानी डिस्प्ले तो कुछ होगा नहीं, और लेफ्ट और राइट ओके, तो लेफ्ट और राइट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इमेज को, इमेज क्योंकि मेरा एक ही टैग है तो मैं डायरेक्टली नाम लेता हूँ इसका, यहाँ पे इसको सबसे पहले तो उसका हाइट कम कर देता हूँ, मैं वेट्स जो है दे देता हूँ 500 पिक्सल सपोज, या फिर 100 पिक्सल ओके, और जो हाइट है वो भी दे देता हूँ 100 पिक्सल, सेव रिफ्रेश, ठीक है। अभी ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी देखते हो कि इमेज जो है वो बाजू में रहती है और टेक्स्ट आपका उसके साइड में रहता है, देखा है क्या, राइट साइड में अगर इमेज है तो लेफ्ट साइड में टेक्स्ट रहेगा, और लेफ्ट साइड में इमेज है तो राइट साइड में आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। तो ऐसा अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे यूज करते हैं फ्लोट, इसके लिए आप यूज कर सकते हो फ्लोट ओके, फ्लोट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं दूंगा लेफ्ट ओके, सिंपल सेव। अभी देखो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद क्या होता है, आ रहा है क्या वो आपके लेफ्ट साइड में, उतना स्पेस वो छोड़ रहा है, ड्यू ड्यू जो है उतना स्पेस छोड़ रहा है, बट उसका हाइट जो है वो चला गया ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे हाइट भी देना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट भी हम दे देते हैं, हाइट इसका कितना है 100 पिक्सल, सेव ठीक है, हाइट भी हमने इसको दे दिया है, यानी यहाँ पे आपका जितना भी टेक्स्ट रहे कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट
ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका जो इमेज है आपके टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में आ चुका है। ठीक है, आपके देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज में राइट साइड के लिए मैं मार्जिन दे देता हूँ कि दोनों के बीच में क्या रहे, स्पेस रहे। तो मार्जिन हाइट का राइट साइड से मार्जिन हम देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ सेव। तो देखो दिख रहा है लेफ्ट साइड में आपका इमेज है, और उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन कुछ भी आप दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये इमेज है और उसके बाजू में उसका इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या, देखा है क्या आपने? तो ऐसा आप दिखा सकते हो, ये तो हो गया लेफ्ट साइड से। अगर आपको इसको राइट में देना है तो वो भी आप दे सकते हो। इसकी सेकंड वैल्यू हम देते हैं इसको राइट, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं। अभी जो आपका जो इमेज है उसको हमें क्या करना है, राइट साइड में दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइट से, और अभी देखो यहाँ पे पहले वो डिफॉल्ट कहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट साइड में। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आ गया क्या राइट साइड में, यानी ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो मार्जिन। दोनों तरफ से 20-20 पिक्सल्स में एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका स्पेस भी हमने दिखा दिया, और ऐसे भी आप दिखा सकते हो लेफ्ट या राइट साइड से आप दिखा सकते हो इसको। ठीक है, तो फ्लोट क्लियर है? अगर आपको लेफ्ट में अरेंज करना है तो लेफ्ट साइड में अरेंज कर सकते हो, अगर आपको राइट में करना है तो राइट साइड में आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, वन क्वेश्चन सर, हाँ बोलिए प्रिया। सर अगर हम टेक्स्ट ज्यादा नहीं लेते हैं, मतलब सिर्फ हमें टाइटल देना है फॉर एग्जांपल, तो सर मैंने ट्राई किया बट टाइटल जो है वो इमेज के मतलब इमेज के साथ में बॉटम में सेट होता है, बट हमें अगर उसको सेंटर में रखना है तो कैसे रख सकते हैं? सेंटर इन द सेंस इमेज के सेंटर में, मतलब इमेज के पूरे ट्यूब सेंटर में में। या कहाँ पे? यहाँ पे देखो एक ड्यू है, सबसे पहले तो मेरा एक ड्यू है, और इस ड्यू के अंदर पैराग्राफ टैग है, उस टैग के अंदर मैंने इमेज टैग लिखा है और उसको मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ पहली बात तो। ओके, और अगर आपका कोई दूसरा टेक्स्ट भी है और उसको आपको सेंटर में दिखाना है, यहाँ पे सपोज मेरा एक टेक्स्ट भी है, तो हमने कल परसों आई थिंक देखा था ना टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं सर, उस वे में सेंटर नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इमेज है तो इमेज के अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे सीजीसी ऐड कर रही हूँ, तो सीजीसी जो है ना वो इमेज, ये जो येलो कलर है ना, ये इमेज का येलो कलर का जो लीफ है तो वहां पे सेट होता है। ओके, बट वहां पे सेट मुझे करना है आपको कि करना है या हो रहा है। करना है तो उसको सेंटर में सेट करना है, ना कि वो नीचे रहे, मतलब मैं यहाँ पर मार्जिन या पैडिंग बॉटम से लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बॉटम से ऐड कर रही हूँ ताकि वो टेक्स्ट थोड़ा ऊपर जाए, बट वो मार्जिन और पैडिंग अप्लाई नहीं होती। क्योंकि हमने ओवरलैप अभी तक देखा ही नहीं है। आप एक चीज, एक एलिमेंट के दूसरा एलिमेंट आप ओवरलैप करने का ट्राई कर रहे हो, एक के ऊपर दूसरा दिखाने का ट्राई कर रहे हो ना आप, तो वो तो नहीं हमने अभी सर, तक वो देखा ही तो नहीं है। मतलब स्पैन टैग लिया है ना हमने, हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर, कि ओवरलैप का पार्ट। हाँ बट आप यही सोचो कि इमेज के साथ आप कोई टेक्स्ट ले लो और वो एक दूसरे पे आएगा क्या, ये सोचो पहले, आएगा डायरेक्टली? एक दूसरे पे सर डालना ही है मैंने ना,
मतलब नहीं आएगा नहीं ऑब्वियसली. आएगा ना, तो उसको हमें सेट करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर उसको ओवरलैप कर रहे हो तो उसका प्रॉपर्टी अभी हमने नहीं देखा है। और जो आप सेंटर की बात कर रहे हो, तो मैंने आपको हॉरिजेंटल सेंटर, मुझे हॉरिजेंटली कैसे सेंटर करते हैं वो बताया, मैंने आपको वर्टिकली सेंटर कैसे करना है वो अभी तक नहीं बताया। अच्छा ओके. दोनों चीजें है ना, हमने एक ही चीज देखी है अब तक। ओके गॉट इट सर. तो आप ओवरलैप भी करोगे और तब आप वर्टिकली सेंटर कर दो, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्लोट को देख रहे थे। देन ये क्लियर है आपको फ्लोट? यस सर. ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे देखते हैं। लिस्ट हम देखते हैं, लिस्ट लिया क्या इसका, और उसके बाद वाला ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको रैप कर लेता हूँ। रैपिंग हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे ये रैपिंग हो गया, ये पैराग्राफ आपका यहाँ पे क्लोज हो गया, और यहाँ पे ये इमेज है आपका। लिया? ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, जैसे हमने लिस्ट देखा था, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ऐसे दो तरीके के हमारे पास रहते हैं। ओके, उनके अगर आपको क्या करना है, उनके बुलेट्स नंबरिंग अगर आपको क्या करना है, चेंज अगर आपको करने हैं, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक यूज कर सकते हैं एक स्टाइल, लिस्ट स्टाइल नाम का टैग है जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, लिस्ट, तो यहाँ पे मैं एक यूएल लेता हूँ सबसे पहले, तो इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ एलआई। ओके, आइटम स्पेस वन लाए। ओके, देन ऐसे ही मैं दो तीन ले लेता हूँ। हेलो, ओके, तीन मैंने यहाँ पे ले लिए, सेकंड देन मेरा थर्ड, सेव किया मैंने इसको। देन इसको हम क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे इसको, हम स्टाइल पर ऐड करेंगे हर बार। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूएल करने कोशिश, क्योंकि मुझे यूएल को क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करानी है। तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप नन भी कर सकते हो किसी स्टाइल को अगर आपको हटाना है। ओके, स्टाइल लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप। ओके, ये प्रॉपर्टी है चेंज करने के लिए, तो अगर मुझे इसको हटाना भी है तो मैं नन कर सकता हूँ। ओके, नन से क्या हो जाएगा, ये जो बुलेट्स आपको दिख रही है वो हट जाएंगे। देखो हट गई क्या? सर तो इससे क्या हो जाएगा कि जो बुलेट्स हैं आपकी वो रिमूव हो जाएंगे। देन
इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी को कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट, अगर जो डिफॉल्ट है अभी जो है डिक्स्ट है, ओके, यानी आप एक आपको एक सर्कल दिख रहा है जो फील्ड है ब्लैक कलर में, ओके, ये कौन सा है? डिक्स्ट नाम का स्टाइल है, सॉरी सर्कल आना चाहिए, नंबर कैसे आ रहा है इसमें? एक मिनट, लिस्ट टाइल स्पेलिंग ये हुआ था सर, गलत है क्या? हाँ कहाँ पे? DISC चाहिए ना। हाँ हाँ वही सोचा मैंने, क्या क्या। ठीक है, थैंक यू। तो देखो जो आपका डिफॉल्ट था, ओके, सर्कल आता है फील्ड में, ओके, तो वो आपका यहाँ पे आ रहा है, ओके, डिस्क। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आप किसी नंबर को भी, अगर आपका ऑर्डर लिस्ट है वहाँ पे अगर आपको ये देना है, चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो? ऐसा दे सकते हो, स्टाइल उसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सर्कल चाहिए, यानी खाली सर्कल दिखना चाहिए और वो फिल ना हो, जैसे ये ब्लैक कलर से फिल पूरा फिल हो चुका है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे सर्कल कॉपी से, ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट आईफोन स्टाइल, आईफोन स्टाइल कॉलन सर्कल। ठीक है, सिंपल, सेव। रिफ्रेश, ले क्यों नहीं रहा है? इससे आपका खाली ऐसा सर्कल आता है, जैसे आपको ओ दिख रहा है, ऐसा सर्कल यहाँ पे दिखता है हमें। एक मिनट में दूसरा देता हूँ, स्क्वायर देके देखता हूँ यहाँ पे, स्क्वायर से रिफ्रेश, ये भी नहीं दिख रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, कमेंट, यहाँ पे लगती है कमेंट की वजह से वो अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, सर्कल, ठीक है, सेव। देखो दिख रहा है अभी? हाँ, तो वो मेरा कमेंट वहां पे प्रॉपरली मैंने नहीं दिया था, इस वजह से वो नीचे का जो स्टाइल है वो नहीं ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्कल आपका अभी यहाँ पे दिख रहा है जो फील्ड नहीं है। ठीक है, सेम हम देंगे स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर दिखाना है तो आप स्क्वायर भी दिखा सकते हो यहाँ पे, स्क्वायर, तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा। देखो स्क्वायर आया क्या? ठीक है, तो ऐसे आपके क्या आ गए? स्क्वायर आ गए। ठीक है, तो इन केस अगर आप चाहते हो कि डेसिमल दिखे, तो यहाँ पे आप डेसिमल भी वैल्यू यूज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। तो देखो अगर आपको नंबर फॉर्मेट चाहिए, तो देखो अभी हमने क्या किया, वन ऑर्डर लिस्ट को नंबर फॉर्मेट भी ले दिया, ओके, यानी ऐसे आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर को, आप ये वाले भी दे सकते हो, सर्कल स्क्वायर डिस्ट ये दे सकते हो, और नंबर वाले भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अन ऑर्डर के लिए, ओके, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाली इस प्रॉपर्टी को वैल्यूज प्रॉपरली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मुझे क्या करना है, लोअर रोमन अगर मुझे दिखाना है नंबर्स, तो लिस्ट आईफोन स्टाइल, स्टाइल आईफोन स्टाइल, ओके, कलर यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक मिनट इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लोअर, ओके, आईफोन
रोमन, अभी रोमन डिजिट्स पता है ना आपको, है कि नहीं? देखो यस सर। आया क्या, स्मॉल रोमन डिजिट्स, तो यहाँ पे आपका रोमन आएगा। अगर आपको अपर रोमन चाहिए तो आप वहां पे भी आप अपर कर सकते हो, कॉपी इसी को कॉपी कर ले दो, क्योंकि खाली लोअर की जगह मुझे अपर करना है। तो इसको कट के यहाँ पे पेस्ट, सेव, सेव, लोअर, अपर, सेव। देखो अपर रोमन डिजिट की जो है, डिजिट जो है वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और डेसिमल के साथ आप जीरो भी लगा सकते हो, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे 1 2 3 आ रहा था, देखा था क्या आपने, 1 2 3 आ रहा था, याद आ गया आपको? एक यस बार फिर से इसको कमेंट करता हूँ, कट पेस्ट सेव। देखो नंबर आ रहा है, बट अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि 0 1 हो, 0 2 हो, ऐसा अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे लीडिंग जीरो पे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना लगा डेसिमल हाइफन लीडिंग हाइफन जीरो, ओके। ये प्रॉपर्टी यानी ये जो वैल्यू है आपको इस प्रॉपर्टी को देनी पड़ेगी। मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश, देखो आ गया क्या, 0 1 0 2 0 3, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, हेलो सर। बोलिए। सर इन फ्लोट यूज करके एक के सामने एक भी लगा सकते हैं ना हम इसको? हाँ, लगा सकते हो आप। अगर आपके तीन चार इमेज है उनको फ्लोट दे दो, फ्लोट लेफ्ट, तो तीनों एक साथ छोटे स्मॉल, उसका साइज ये भी सेट करना पड़ेगा आपको, एक लाइन में आ जाएंगे तीन, मीन्स जितने भी रहेंगे उतने, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्या, प्रैक्टिकली कर रहे हो क्या कोई? नहीं सर। ठीक है, तो लोअर आप यहाँ पे अल्फाबेट्स भी दे सकते हो, तो लोअर हम लेंगे अल्फाबेट्स, उसके बाद में हम अपर लेंगे यहाँ पे, लोअर हाइफन अल्फा, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ABC लोअर केस में आ जाएंगे, देखो लोअर केस में हो, ABC एज अ पॉइंट आ गए, ओके। इसी को हम कह रहे हैं अपर केस में इसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे अपर, अल्फा, और इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को। देखो यहाँ पे ABC जो है कैपिटल फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इतने बुलेट्स आप, इतना स्टाइल्स आप इसको दे सकते हो, क्लियर है क्या? ओके, तो अगर कोई इमेज अगर आप को देनी हो तो वो भी आप दे सकते हो, ओके। खाली आपका इमेज का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, तो मुझे एक इमेज पहले निकालनी पड़ेगी गूगल से। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये इसको देखो, लिस्ट आइटम 1 2 3, यानी यस सर। आप कस्टम भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, एक लिफ है, उसको मैं एक स्मॉल यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है फोटो में,
कि अगर आपको हर एक के जगह आगे कुछ इमेज दिखाने हैं, देखो यहाँ पे ओके का टिक है, यहाँ पे ये लीफ है, ओके तो इनमें से मुझे चाहिए एक सिंगल तो पीएनजी, ठीक है तो ये वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, ओके तो मुझे इसका साइज जो है वो कम करना पड़ेगा। तो अभी साइज के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ फोटोशॉप में। मैं आपको ये इमेज भी भेज दूंगा, ट्राई करना, ठीक है, इमेज भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे हम उसके लिए इमेज के लिए इस्तेमाल करेंगे लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन इमेज, ओके ऐसा हम यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोलन URL, ओके okay? और इस URL में हम क्या करेंगे, सिंगल कोट्स में जैसे हमने बैकग्राउंड इमेज सेट की थी, याद आ रहा है क्या? हेलो, यस, हाँ उसे भी हमने URL में दिया था। यहाँ पे भी URL फंक्शन के अंदर हम इसको हम देंगे। तो मैं इसका साइज जो है वो कम कर लेता हूँ, ओके देखो इतने पहले मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं। तो उसके बाद इसका जो साइज है 0.3, ठीक है, एक्चुअल साइज इतना, ठीक है, देन सेव एज, इसमें मैं यूज करूंगा इसको एज अ पीएनजी, bullet.png। यहाँ पे देख सकते हो आप, छोटा सा आपको बुलेट दिख रहा है कि यहाँ पे हमने इमेज का साइज जो है वो कम कर दिया। मैं आपको ये चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चैट बॉक्स में मैंने डाला है, डाउनलोड किया क्या आपने, मिला क्या सबको? यस सर। हाँ ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ओके इस इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुलेट्स की जगह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे उसका नाम दे दूंगा मैं, तो नाम क्या है उसका, bullets.png। तो इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको दे देता हूँ, सेव किया मैं इसको, और रिफ्रेश करता हूँ मेरे पेज को, देखो आ रहा है क्या, फिर भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, फिर भी वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ओके इससे भी कम मुझे करना चाहिए था उसको। इसको एक्चुअल साइज उसका कम नहीं किया, इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हेडलाइन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी अगर आपका H1 अगर यहाँ पे है लिस्ट के अंदर, यहाँ पे अगर आपने इसको H1 दे दिया या फिर H3 हमने दे दिया इसको, तब वो अच्छा दिखेगा। तो मैं इसको H3 दे देता हूँ, H3, सेव, रिफ्रेश, ठीक है, फिर भी बढ़ाई देता, ठीक है, तो इसमें वो करना पड़ेगा उसको।
ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज भी ऐसे दे सकते हो, बट वह कैसा चाहिए आपको, स्मॉल इमेज आपका होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमें इमेज स्मॉल लगाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज कैसा आएगा, जो टेक्स्ट है आपको ये देखो नीचे आपका दिख रहा है क्योंकि आपका इमेज बड़ा है। ठीक है, इमेज जो है वह आपका बड़ा है, तो मैं इसको फिर से कम कर देता हूँ, इमेज साइज 3 की जगह मैं इसको ले लेता हूँ 0.1, सेव। ओके, सेव। रिफ्रेश, अभी देखो अभी बहुत छोटा हो गया, दिख रहा है? यस ठीक है, तो आप खाली उसी इमेज को डाल के देखना कि आपका आ रहा है या नहीं। ठीक है, सर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे वाले का। लिया क्या इसका? सर हाँ ठीक है, उसके बाद आप ऊपर वाले लिस्ट का लीजिए, ऊपर का लिया है क्या, इमेज का, फ्लोट का ले लिया है क्या आपने? फ्लोट सर नहीं का भी बाकी है ना, वो वाला भी ले लीजिए, दो स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे आपको। बैठ रहा है क्या स्क्रीन में? हाँ बैठ रहा है, 1 मिनट। ओके, दोनों क्लासेस अभी दिख रहे हैं, अभी ले लो। तो ठीक है, लिया क्या आपने? हाँ ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे काम कल देखेंगे। ठीक है, मैं ये फाइल आपको भेज देता हूँ, इमेज भी मैं उसके अंदर भेजूंगा, नहीं तो आपके ग्रुप के अंदर मैं इमेज सेपरेटली डाल दूंगा फिर से। ओके, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। चलो। अच्छा।